एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद नगरीय निकाय चुनाव के करीब आते ही प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। 21 दिसंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सख्ती नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। वही पार्टी से बागी व निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब ये जनता पर है कि वह किसको कुर्सी में बैठाती है और किसको गिराती है। चुनाव के करीब आते ही प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। वार्ड नंबर 14 से जो पार्षद पद के प्रत्याशी नेहा श्याम सुंदर अग्रवाल, उनसे जानते हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। जी नेहा जी, कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के लिए, किस प्रकार की तैयारी है, क्या रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है आप वार्ड में उनके पास जब जाती हैं तो? वार्ड के मतदाताओं से लगातार मिल रही हूँ, लगातार उनके संपर्क में हूँ। वार्ड के लोगों से भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि मेरे पति श्याम सुंदर अग्रवाल ने शक्ति के विकास के बहुत से अच्छे काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। प्रतिद्वंदी को लेकर कितनी चिंता रहती है आपके दिमाग में? किसी से कोई चिंता नहीं है, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और हम जरूर जीतेंगे। बात करते हैं वार्ड नंबर 17 से बीजेपी की प्रत्याशी रीना गेवडीन से, जानते हैं चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं उनकी। हमें अपने वार्ड में घूम रहे हैं, आज 8 दिन हो गया, तो अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है और लोगों का समर्थन भी अच्छा मिल रहा है और वो चाहते हैं कि वार्ड में अच्छा प्रत्याशी आए, तो सहयोग भी अच्छा मिल रहा है। मगर अपन अपने आप का जो विल एक पावर होता है वो स्ट्रांग करके रखे हैं, तो अपन को विश्वास है कि अच्छा जाएगा चुनाव। नगर में बाकी सब तो अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी सफाई वगैरह का विशेष ध्यान रखा है, जो कहीं नालियों की समस्या है, कहीं रोडों की समस्या थोड़ी बहुत जो है उसी का समाधान करेंगे, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। तो ये है बीजेपी से वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी रीना गेवडीन, जो फिलहाल काफी जोश खरोश में दिख रही है और अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित भी है। देखना होगा अब जो चुनाव होते हैं, जो मतदान होते हैं, किस प्रकार जो वोटर्स हैं किनको चुनते हैं। स्वराज एक्सप्रेस से रवि गोयल, जहांगीर।